नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वट वर द लिमिटेशन ऑफ द मैंगीव प्रियोगेकेबल अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंगलीव के प्रयोग की क्या लिमिटेशन थी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में जो मैंगलीव का प्रियोगेबल है ना उसे भी फॉलो नहीं किया जाता हम मॉडर्न प्रियोगेबल को यूज़ करते हैं मैंगलीव का जो प्रियोगे है वो एकॉमिक मास के हिसाब से बना हुआ था उसे फॉलो नहीं किया जाता मॉडर्न प्रियोगेबल को यूज करते हैं वो एकॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है चलो भी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंगलीव के प्रियोगेबल की क्या लिमिटेशन थी तो इसके फाइव पॉइंट्स हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं एनॉमलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब है कॉन्ट्रोवर्शियल पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंगलीव का जो प्रियोगेबल है ना उसके अंदर हाइड्रोजन की जो पोजिशन है वो फिक्स नहीं है उसका रीजन ये है ये देखो केबल दिखाता हूं पहले आपको यह मैंगलीव केबल है ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा हुआ है प्रॉब्लम ये है है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज ना वो ये 1A, ग्रुप वन 1A ए के जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ भी मैच करती है और ग्रुप सेवन ए के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना इनके साथ भी मैच करती है ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबेगियम सीसियम इन्हें अल्कली मैटल्स बोला जाता है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मैकल्स के साथ मैच करती होती है और ये जो ग्रुप सेवन के एलिमेंट्स है ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन्हें हेलोजन्स बोला जाता है हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेलोजेंस के साथ भी मैच करती है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मैटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हेलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन को फिर किसके साथ रखा जाए अल्कली मैकल्स के साथ रखा जाए या फिर हेलोजेंस के साथ रखा जाए अल्कली अल्क्मैकल्स ये लिथियम सोडियम पोटेशियम इन्हें अल्कली अल्क्मैकल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वॉकर के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना वॉकर के साथ रिएक्ट करके ये अल्कलीज बनाते हैं अल्कलीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉकर ये वॉकर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेसिस बना लेते हैं जो पानी के अंदर ही डिजॉल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं जैसे सोडियम को वॉकर के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा पोकैशियम को वॉकर के साथ रिएक्ट कराओगे तो पोकैशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये सारे के सारे वॉकर के साथ रिएक्ट करने पे अलक्स बनाते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है क्लियर हो गया और हाइड्रोजन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती होती है ये ग्रुप सेवन के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हेलोजेंस बोला जाता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोगीन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं तो मैंगलीव के केबल के, के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड नहीं है हाइड्रोजन को ये ग्रुप वन ए के अंदर यहाँ पर भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को ये फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन पे ग्रुप सेवन ए के अंदर भी रखा जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का एकॉमिक मास कम है एकॉमिक मास इसका सबसे छोटा है ना इसलिए मैंगलीव ने हाइड्रोजन को यहाँ पर ग्रुप वन के अंदर रख दिया था, था। लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है मैंगलीव के प्रयोग टेबल के, के अंदर वो फिक्स्ड नहीं है हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि हाइड्रोजन को यहां पर भी रख सकते हैं ग्रुप वन ए के अंदर भी रख सकते हैं और हेलोजन्स के साथ यहां पर फ्लोरीन के ऊपर ग्रुप सेवन ए के अंदर भी रखा जा सकता है क्लियर हो गया तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने आंसर में ये लिखोगे हाइड्रोजन हैज द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एंड द लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है वन होता है उसका एटॉमिक नंबर उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटोन होता है उसका एटॉमिक मास भी सबसे कम होता है नो करेक्ट पोजिशन कैन बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द प्रियोगेबल हाइड्रोजन को प्रियोगेबल के अंदर एक करेक्ट पोजिशन अभी तक असाइन नहीं की गई है मतलब एकदम सर्टेन पोजिशन असाइन नहीं की गई है वो अल्कली मैकल्स के साथ भी आ सकता है और हेलोजेंस के साथ भी उसको रखा जा सकता है द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ अलक्मेकल्स एंड हेलोजेंस यही तो प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं ना वो अल्क् मैकल्स के साथ भी मैच करती है और हेलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं देयर फोर इट कैन बी प्लेस्ड इधर अलॉन्ग विद अलक्मैकल्स ऑफ ग्रुप वन ए और हेलोजेंस ऑफ ग्रुप सेवन ए ऑफ़ द मैंगलिवस प्रियोगिकेबल क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इन दोनों के साथ मैच करती हैं तो हाइड्रोजन को अलक्ली मैकल्स के साथ भी रख सकते हैं और हेलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं ये देखो ये ग्रुप सेवन ए के अंदर भी रख सकते हैं और ग्रुप वन ए के अंदर भी रख सकते हैं आगे नजर ये ग्रुप वन ए यहां पर तो मैगलीव ने खुद ही रखा हुआ था यहां पर भी इसको रख सकते हैं और ये फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन पे ग्रुप सेवन ए के अंदर यहां पर भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है हेलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं सेकंड पॉइंट पे है सेकंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ आइसोकोप्स देखो मैंगलीव ने अपना प्रयोग दे दिया था उसके काफ़ी टाइम के बाद जाके आइसोकोप्स की डिस्कवरी हो गई थी जो आइसोकोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो मैंगलीव आइसोकोप्स को अपने प्रयोग केबल के अंदर एकोमोगेट नहीं कर पा रहे थे मैंगलीव अपने प्रयोग केबल के अंदर के आइसोटोप्स को जगह नहीं दे पा रहे थे उसका रीजन ये था आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो आइसोटोप्स को सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा क्योंकि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो सारे सेम ग्रुप के अंदर आते हैं लेकिन आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मासज अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना पड़ेगा

जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखना चाहिए या एक ही स्लॉट में रखना चाहिए लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं ना तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास अलग अलग होने की वजह से उन्हें अलग अलग स्लॉट में रखना चाहिए एक रीजन ये बोलता है कि उन्हें एक ही स्लॉट में रखना चाहिए दूसरा रीजन ये बोलता है कि उन्हें अलग अलग स्लॉट में मतलब अलग अलग पोजिशन पर रखना चाहिए तो इसलिए मैंगलीव एकोमोगेट नहीं कर पा रहे थे आइसोटोप्स को अपने प्रियोगेटेबल में तो मैंगलीव वॉज नॉट एबल टू एकोमोगेट और प्लेस आइसोटोप्स इनको हिस्स प्रियोगेबल मैंगलीव अपने केबल के अंदर आइसोटोप्स की जगह नहीं बना पा रहे थे क्लियर हो गया ये मैंगलीव का प्रियोगेबल है अब ये देखो कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन कार्बन थकीन कार्बन फोकिन तो कार्बन के ये वाले जो तीन आइसोटोप्स हैं इनको एक ही ग्रुप में रखें या फिर अलग अलग पोजिशन पर रखें वो जज नहीं कर पा रहे थे हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था ना हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और क्रिकियम अब हाइड्रोजन के ये वाले जो तीन आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है तो इनको एक ही कॉलम में रखना चाहिए लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो अलग अलग कॉलम में रखना चाहिए तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं और मैंगलीव के प्रियोगेबल के अंदर आइसोटोप्स को आइसोटोप्स की जगह नहीं है यह है मॉडर्न मॉग्रन मॉडर्न मॉग्रन प्रोगेबल के अंदर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी क्योंकि ये वाला जो केबल है ना वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बना हुआ ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप्स मॉडर्न प्रयोग केबल के अंदर एक ही पोजिशन के ऊपर है जैसे कि कार्बन के जो आइसोटोप्स है ना कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोटीन ये जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो कार्बन के सारे आइसोटोप्स इसी पोजीशन पर ही होंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के ये वाले जो आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे इसी पोजिशन पर ही होंगे ये जो मॉडर्न प्रियोगेबल है ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है इस रीज़न की वजह से एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हैं वो एक ही पोजीशन पे एलिमेंट के साथ ही उस पोजीशन पे होंगे क्लियर हो गया मॉडर्न प्रयोगकेबल के अंदर आइसोटोप वाली प्रॉब्लम नहीं है वो सॉल्व हो चुकी है ये जो मैंगलीव का जो मैंगलीव का प्रियोगेकेबल था ना इसके अंदर आइसोकोप्स की जगह नहीं है मतलब मैंगलीव रख नहीं पाए थे आइसोकोप्स को अपने केबल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पोजिशन ऑफ निकल एंगबॉल्टिकल एंड कोबाल्ट की जो पोजिशन है ना मैंगलिव के प्रयोग केबल के अंदर यह कॉन्ट्रोवर्शियल है और पोजिशन ऑफ कैल्यूरियम एंड आयोडीन ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है उसका रीजन ये है मैं केबल से एक्सप्लेन करता हूं आपको ना ये देखो <coughs> ये निकल एंड कोबोल्ट आपको नजर आए ये मैंगलीव का जो प्रियोगेबल है ना उसके अंदर एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एकॉमिक मास के हिसाब से पड़े हुए हैं ये अगर आप लेफ्ट से राइट में मूव करोगे ना तो एकॉमिक मास लगातार इंक्रीज होता जाता है जिसका एकॉमिक मास ज्यादा है वो इस तरफ होगा वो राइट में होगा लेकिन यहां पे देखो जो कुबोल्ट है उसका एकॉमिक मास है 58.9 निकल का एकॉमिक मास होता है 58.7 एट कोबोल्ट का एकोमिक मास ज्यादा है निकल का एकॉमिक मास कम है तो निकल को कोबोल्ट की जगह पे होना चाहिए कोबोल्ट को इस तरफ आगे होना चाहिए मैंगलीव के प्रियोग टेबल के अंदर एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से प्लेस गए जैसे आप लेफ्ट से राइट में मूव करो ना तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है कोबोल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो कोबोल्ट को आगे होना चाहिए फिर जब पूछा गया कि आपने कोबोल्ट को पहले क्यों रखा हुआ है तो इसका रीज़न था ताकि ग्रुप के अंदर ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रह सके तो ये उन्होंने अपने रूल को फॉलो नहीं किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास के हिसाब से नहीं रखा सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है कैल्यूरियम और आयोगीन के अंदर ये देखो इसका जो एटोमिक मास है वो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स है ये ज़्यादा है तो इसको इस तरफ होना चाहिए था आयोगीन को पहले होना चाहिए था लेकिन उन्होंने उल्टा करके रखा हुआ है क्योंकि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोगीन इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं आयोडीन को उन्होंने यहाँ पर बाद में रखा कैल्यूरियम को पहले रखा ताकि ये कॉलम के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो मैच हो सके क्लियर हुआ निकल एंड कॉबॉल्ट की जो पोजिशन है वो मैंगलीव के प्रियोगेबल के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल है उसका रीजन ये है मैंगलीव का प्रियोगेकेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एकोमिक मास के, के हिसाब से बना हुआ है तो उन्होंने कोबॉल्ट को पहले रख दिया है जबकि पहले निकल को होना चाहिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एकोमिक मास के हिसाब से देखें तो कैल्यूरियम और आयोडीन इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कैल्यूरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसे बाद में होना चाहिए लेकिन उन्होंने आयोडीन को बाद में रखा हुआ है कैल्यूरियम को पहले रखा हुआ है ये देखो आयोडीन को बाद में रखा हुआ है जबकि इसका एटॉमिक मास कम है ताकि एक कॉलम के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैच हो सके क्लियर हो गया अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे लिखोगे द एलिमेंट्स इन द मैंगीव प्रियोगेबल हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासिस मैंगलीव के बल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एकॉमिक मास के हिसाब से रखा हुआ है बट इन सम केसेज एन एलिमेंट विद हायर एकॉमिक मास हैजिन प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट विद लोअर एकॉमिक मास लेकिन कुछ केसेस के अंदर जिस एलिमेंट का एकॉमिक मास ज्यादा है उसे पहले रखा हुआ है और जिसका एकॉमिक मास कम है उसे बाद में रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कोबॉल्ट विद हायर एकॉमिक मास हैज़ बिन प्लेसड बिफोर निकल कबॉल्ट का टॉमिक मास ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसको निकल से पहले रखा हुआ है और ये कैल्यूरियम इसके साथ भी सेम पोजिशन है जो कैल्यूरियम है उसका टॉमिक मास भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसे आयोडीन से पहले रखा हुआ है और मैंगलिव ने ऐसा क्यों किया था ताकि एक कॉलम के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच हो सके इसलिए मैंगलिव ने ऐसा किया था रूल को फॉलो नहीं किया था तो ये थर्ड लिमिकेशन है नेक्स्ट पॉइंट पे आए ये क्लियर हो गया ना आपको इसके बाद नेक्स्ट

ये सेवन के बाद भी काउंक तो हमें आती ही है तो आप ये इसको वन ए और वन बी क्यों कह रहे हो इसको वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव और सिक्स ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो जबकि वन ए और वन बी इसके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए लेकिन कुछ कॉमन तो है नहीं इनकी जो वन ए और वन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं देखो आपके स्कूल के अंदर क्लास टेंथ के काफ़ी सारे सेक्शंस होंगे ना टेन ए टेन बी टेन सी तो क्लास टेन ए के अंदर जो मैथ्स का सिलेबस है और टेन बी के अंदर जो मैथ्स का सिलेबस है और जो साइंस का सिलेबस है वो सेम है ना ऐसा तो नहीं है कि क्लास टेन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ और गुजराती पढ़ा रहे हैं उनको मैथ्स की जगह पे ऐसा तो नहीं हो रहा ना जो क्लास नाइन्थ है उसका सिलेबस अलग होगा टेंथ का सिलेबस अलग होगा इलेवेंथ का सिलेबस अलग होगा लेकिन टेन ए और टेन बी और टेन सी इन तीनों क्लासेस का सिलेबस तो सेम होगा ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी ना उनके बीच में लेकिन 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 यहां पर ग्रुप वन ए और वन बी के बीच में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है तो वन ए और बी ये A और बी क्यों बोला हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे डायरेक्ट काउंटिंग क्यों नहीं चले काउंटिंग तो हमें आगे, आगे तक भी आती है तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर ना तो फोर्थ पॉइंट ये है नो रिजेंबलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन सब ग्रुप एक ग्रुप को जो आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ना उन सब ग्रुप्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन मैंगलीवस प्रियोगेबल एलिमेंट्स प्लेस in a ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मैंगलीव के प्रियोगेकेबल के अंदर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं बट देर इज नो सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सब ग्रुप्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप लेकिन एक ग्रुप के आगे जो दो सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो ये ग्रुप के जो दो सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं ये ऐसा क्यों किया हुआ है ये समझ में नहीं आया लास्ट पॉइंट है अनसर्टेटी इन प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स देखो मैंगलीव ने ये तो बोल दिया था कि आगे जाके हमें नए नए एलिमेंट्स मिलेंगे लेकिन मैंगलीव एग्जैक्टली exactly ये नहीं बता पाते थे कि कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे और उसका रीजन ये था क्योंकि मैंगलीव एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे थे लेकिन एक्चुअल के अंदर एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलना होता है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट द न्यूक्लियस उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती मैंगलिव ये तो बता देते थे कि आगे जाके हमें नई एलिमेंट्स मिलेंगे लेकिन ये नहीं बता पाते थे कि एग्जैक्टली exactly कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे और उसका रीजन ये था क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे थे तो इसमें आप लिखोगे इन मैंगलीवस प्रियोगेकेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासिस मैंगलीव के प्रियोगेबल के अंदर एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज गए बट दी एटॉमिक मासेज डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट जो एटॉमिक मास है ना वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता एब्रप्टली इंक्रीज होता है मतलब कभी थोड़ा सा इंक्रीज होगा कभी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो एकॉमिक नंबर है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है वन के बाद टू ही आएगा टू के बाद थ्री ही आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे चलेगा लेकिन जो एटॉमिक मास है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता एब्रप्टली इंक्रीज होता है कभी थोड़ा सा इंक्रीज होता है कभी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है देर फोर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी न्यू एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू नोन एलिमेंट्स स्पेशली अमंग हैवियर एलिमेंट्स क्योंकि एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता इस रीज़न की वजह से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने ज़्यादा नए एलिमेंट्स मिलने वाले हैं क्लियर हो गया मैंकलीव ये तो बता देते थे कि आगे जाके हमें नए एलिमेंट्स मिलेंगे लेकिन ये नहीं बता पाते थे कि एग्जैक्टली exactly कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे क्लियर तो ये वाले फाइव पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए